असल डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टूडेंट्स डायरी आई एम अब्दुल रहमान लेक्चरर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी टुडे आवर टॉपिक इज़ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन डियर स्टूडेंट्स इससे पहले टॉपिक में हमने आरएनए स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ा था हमने आरएनए की डिफरेंट टाइप स्टडी की थी जिसमें राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए का हमने जिक्र किया था हमने ये भी पढ़ा था कि मिसेंजर आर एने से हम आगे जाके प्रोटीन्स बनती है जिसको प्रोसेस एक प्रोसेस है जो हम आगे पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन लेकिन आज हमारा सारा फोकस ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर होगा तो ट्रांसक्रिप्शन में हम पहले और थोड़ा सा लेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास रिक्वायरमेंट्स किन किन चीजों की होती है सबसे पहले हमें इसमें राइबोन्यूक्लियोसाइड फाइव ट्राइफॉस्फेट्स का होना जरूरी है राइबोन्यूक्लियोसाइड में क्या है कि हमारे पास राइबो राइबोस शुगर होगा जिसमें फाइव प्राइम पे हमारे पास कोई नाइट्रोजनस बेस पेयर अटैच होगा इसमें हमारे पास एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है गवानोसिन ट्राईफॉसफेट है साइटोसिन ट्राइफॉसफेट और यूरासिन ट्राइफास्फेट मौजूद होंगे इन बेसिस में अगेन सारे वही बेसिस हैं अपार्ट फ्रॉम यूरा जो कि डी में मौजूद थे सो इन केस ऑफ आर एन एमिन विल बी रिप्लेस्ड बाय द यूरा और इसके अलावा हमारे पास इसमें और क्या मौजूद होगा दैट इज शुगर मोइटीज दैट इज राइबोस आर एन के केस में हमारे पास राइबोज मौजूद होगा जबकि डीएनए के केस में हमारे पास डी राइबोज मौजूद होगा सो so, उसका हमने ये भी कहा था कि अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर आ जाए और उसमें आप देखते हो कि राइबोज में टू पोजिशन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद नहीं है सो वी विल कॉल्ड एज डिऑक्सी क्योंकि वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद होगा और अगर टू

डो टेम्पलेट डी एन ए होगा दैटी कंप्लीमेंट्रीट विल्वेंस एज द न्यून दैटेंट आर एन ए जिसे हम कहते हैं जो नया आर एन ए बनेगा उसके एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस होगा जो इस सेंस डी एन ए का होगा और उसके बाद हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे वो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है इसके लिए जरूरी है कि जो ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करने में या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पूरा करने में हेल्प करेंगे हमारे पास वो हम आगे डिटेल में देखेंगे फीचर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सो हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास किन किन फीचर्स इसमें होती हैं कैसे प्रोसेस होता है तो हमारे पास सबसे पहले क्या है आरएनए पॉलीमरेज है

रिमेंबर रेप्लीकेशन का जो में जब न्यू स्टैंड बनता है दैट इज फाइव टू थ्री प्राइम बट दैट ट्रेंड जिस जिस ट्रेंड से कॉपी हो रही है उसको जब रीड किया जाएगा तो उसको रीड थ्री टू फाइव प्राइम किया जाएगा और जो नया स्ट्रेंड बनेगा वो फाइव टू थ्री प्राइम बनेगा सेम इस केस ओवर हेयर कि ये दोनों एंटी पैरल हैं दैट इज द सेंस डीएनए ट्रेंड अब जाहिर है जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है तो इसके अगेंस्ट आर एन ए बनेगा ठीक है और इसको फाइव टू थ्री प्राइम थ्री टू फाइव प्राइम रीड किया जाएगा और नया जो स्ट्रेन हमारे पास आर एन ए का बन रहा है दैट इज फाइव टू थ्री प्राइम ठीक है सो so, इसके अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ यूं बनेगा कि आपके पास फाइव प्राइम फॉस्फेट ग्रुप विल मेक अ बॉन्ड विद अ थ्री प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप So, we will, so, इस तरह से ये आपके पास फाइव टू थ्री प्राइम इसकी न्यूज uh, चेन बनता जाएगा जैसे जैसे बेस पेयर ऐड होता जाएगा क्योंकि कंप्लीमेंट स्ट्रेंड को ऐड करता जाएगा तो है तो आ है, है तो आ रहा रहा है, है है, तो तो ये एक प्रोसेस है जो कि एंटीपैरल होगा और फाइव टू थ्री प्राइम बनेगा ऑर्डर ऑफ बेसिस इन डी एन ए ट्रेन डिटर्मिन ऑर्डर ऑफ बेसिस इन ट्रांसक्रिप्ट एज इंडिकेटेड इन दैट स्ट्रक्चरिन उसके अगेंस्ट यहाँ पे, के पे आएगा, तो यहाँ पे एडनिन आ जाएगा तो जब आर एन ए स्ट्रक्चर बन रहा है तो यहाँ पे यूरोसेल आना चाहिए बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम रहेगी यानी दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे एडेनिन और यूरोसेल के दरमियान जबकि गवानिन और साइटोसिन के दरमियान हमारे पास

एक्टिवेशन के लिए इनिशिएशन के लिए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए हमें प्राइमर की ज़रूरत होती है हमने कहा था कि वो एक हुक प्रोवाइड करता है और जबकि आर एन के लिए और आर एन के लिए या ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए हमें प्राइमर की ज़रूरत नहीं है अगर इसको मैं आसान अल्फाज में समझा दूं कि ये ऐसे रेप्लिकेशन में प्राइमर की जरूरत नहीं होती सो so, प्राइमर की जरूरत होती है रेप्लिकेशन में प्राइमर की जरूरत होती है इट्स जस्ट लाइक अ मोटर बाइक मैनुअल मोटर बाइक जिसमें आप किक लेके स्टार्ट लगाते हो ठीक है जबकि आजकल जो मॉडर्न बाइक्स हैं उसमें आपको क्या कहते हैं ऑटो स्टार्ट होती है सो so, उसमें किक लगाने की जरूरत नहीं होती आप चाबी घुमाते हो और वो स्टार्ट हो जाती है सो so, ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली क्या है प्राइमर की जरूरत नहीं है सो दैट इज ऑटो स्टार्ट वाइल इन रेप्लिकेशन प्राइमर की जरूरत होगी और और आपको क्या होगा प्राइमर अटैच होगा तो फिर आगे डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करेगा इन प्रोक्री और ट्रांसक्रिप्शन इन ट्रांसलेशन आर कपल्ड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एज इट इज मेड तो प्रोक्री में बैक्टीरियाज में यह होता है कि जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है यानी कॉपी बन रही है डीएनए की के साथ ही साथ उसके ट्रांस ट्रांसलेशन का भी प्रोसेस हो रहा होता है सो so ये दोनों प्रोसेसियसली हो रहे होते हैं जबकि यूक्रिय में क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर सेपरेटेड ठीक है ट्रांसक्रिप्शन अकर इन न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन अकर इन द साइटोप्लाजम ऑन राइबोसोम्स ठीक है सो so, यहां पे क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन आपके पास न्यूक्लियस में हो जाती है यूक्रिय में और फिर एम आर ए ने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन भी हो जाती है और फिर एम आर ए ने बाहर निकल के आता है और साइटोप्लाजम में आ जाता है जहां राइबोसोम्स और राइबोसोमल आर एन ए मिलकर उसमें से प्रोटीन बना लेते हैं सो so, आपको इस डायग्राम से फर्दर इसके ज्यादा आसानी समझ आ जाएगी प्रोक्रियोटिक सेल है ये हमारे पास और इसमें हमारे पास ये डी एन ए है ठीक है अब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होनी है यानी इसका एम बनना है तो ये एम हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर बन गया और साथ ही इसके साथ राइबोसोम राइबोसोम्स अटैच हो गया और उसने प्रोटीन बना दी यानी पॉलीपेप्टाइड्स बना दिया ठीक है जो भी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसके लिए ये एम आर कोड कर रहा है वो हमारे पास साथ ही बन के आ गई है ठीक है जबकि जबकि हमारे पास यूक्रियाट्स में क्या प्रोसेस चल रहा है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में डीएनए से पहले एमआरएनए बन गया विच वी कॉल्ड एज प्री एमआरएनए उसके बाद प्रोसेसिंग हो गई मिथाइलेशन हो गई और टेल ऐड हो गया एडिनेशन हो गई है पोली ए टेल ऐड हो गया तो ये हमारे पास क्या है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन आ गई अब इसके बाद ये एम बाहर आ जाएगा और बाकी जो प्रोसेस होगा ट्रांसलेशन का दैट विल हैपन इन साइटोप्लाज्म और हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बनकर आ जाएगी अच्छा अब हमारे पास क्या है डीएनए डिपेंडेंट है डीएनए डिपेंडेंट क्या है डीएनए टेम्पलेट ट्राइफॉस्फेट एंड मैग्नीशियम सो ये हमारे पास क्या है जो भी प्रोसेस हमारा ट्रांसक्रिप्शन का है टोटली डिपेंड ऑन डी एन ए टेट हमारे पास जो राइबोन्यूक्टाइड के ट्राइफेट और नाइट्रोजनस जो अवेलेबल होंगे उस पर डिपेंड करेगा और मैग्नेशियम पर डिपेंड करेगा ये होंगे तो प्रोसेस आगे मूव करेगा अदरवाइज नहीं होगा दूसरा क्या बात होगी कि सिंथिस इन फाइव टू थ्री प्राइम डायरेक्शन ठीक है अच्छा ये जो मैं ये जो स्लाइड्स हैं, ये सारी जो डिटेल्स बताई जा रही है दैट इज़ ऑल अबाउट द आर एन पॉलीमरेज ठीक है आर एन जिसको हमने कहा था कि प्राइमर की जरूरत नहीं है सो so ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकता पॉलीमरेज, आर एन पॉलीमरेज इट विल रिक्वायर डीएनए टेम्पलेट टू बी कॉपीड और एम आर एन ए ताकि उसमें से बनाया जा सके राइबोन्यूक्स का होना जरूरी है और मैग्नीशियम आयंस का होना जरूरी है और आर एन ए को हमेशा ये फाइव टू थ्री प्राइम डायरेक्शन बनाएगा इन बैक्टीरिया वन स्पीशीज ऑफ आर एन ए पॉलीमर एज ऑल ऑफ दर एन एक्सेप्ट फॉर द शॉर्ट आर एन ए प्राइमर नीडेड फॉर डी एन ए रेप्लीकेशन बैक्टीरिया में क्या होगा कि ये जो आर एन है ये तकरीबन आपके पास सारे के सारे आर बना कर बनाकर देगा सिवाय उस स्मॉल आर के शॉर्ट आर के जो हमें प्राइमर के तौर पर चाहिए होती है कब चाहिए होती है रेप्लिकेशन में डीएनए रेप्लिकेशन में क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में हमें प्राइमर की जरूरत नहीं होती अच्छा इकुल आरएनए आर एन ए कंसिस्ट ऑफ फाइव सब यूनिट ठीक है तो हमारे पास जो इक्ुलाई e. के अंदर जो आर एन ए है उसमें हमारे पास पांच सब यूनिट मौजूद होते हैं जबकि यूक्रिया हैव थ्री आर एन ए पोली जिनमें से आर एन ए टू जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स एंड सम स्मॉल न्यूक्लियोलर आर एन ए मॉलिक्यूल तो हमारे पास जो इसमें जोक्रे ऑर्ट्स में जो है वो पोलीमरेज आर एन ए पोलीमरीज टू जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो प्रोटीन कोडिंग जी उसको कॉपी करेगा और कुछ स्मॉल न्यूक्लियोलर आर एन ए को आर एन ए पोलीमरेज टू हैज ट्वेल्व सब यूनिट्स सो इट इस काइंड ऑफ वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे पास ट्वेल्व डिफरेंट सब यूनिट्स मौजूद हैं लेकिन हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे एंड इट आल्सो रिक्वायर एक्सेसरी प्रोटीन जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं जिसमें प्रोमोटर रीजन प्रिब्नोबॉक्स वगैरह वो हम आगे डिस्कस करेंगे तो उसकी जरूरत होती है एंड दैट डज नॉट रिक्वायर अ प्राइमर सो आर एन हाउ इट विल वर्क

जो उसको रिकॉग्नाइज करेगा कौन रिकॉग्नाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज फिर क्या करेगा मेक्स अ कंप्लीमेंट्री कॉपी ऑफ द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। फिर क्या करेगा इस आर कंप्लीमेंट्री आरएनए कॉपी बनाएगा यानी डीएनए टेम्पलेट में से एक आरएनए कॉपी बनाएगा जो कंप्लीमेंट्री होगा इस डीएनए स्ट्रैंड का रिकॉग्नाइज द एंड ऑफ द डीएनए सीक्वेंस टू बी ट्रांसक्राइब एज द टर्मिनेशन रीजन सो क्या करेगा फिर एंड uh, में जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद एंड में एक टर्मिनेशन रीजन आएगा और उस टर्मिनेशन रीजन को रिकॉग्नाइज कर लेगा ये आर एन और यूं आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा तो ये हमारे पास अगर डीएनए है लेट्स so, से दैट इज द फाइव प्राइम एंड थ्री प्राइम रीजन फाइव टू थ्री प्राइम दैट इज डी नॉन टेम्पलेट कोडिंग स्ट्रेन वाइल द्री प्राइम टू फाइव प्राइम इज डी एन ए टेम्पलेट स्ट्रेन सो इसमें से टेम्पलेट स्ट्रैंड में से आगे जो है वो कॉपी बनेगी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनेगा तो ये इसको रीड करेगा फ्रॉम थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम और जो इसके अगेंस्ट कॉपी बनेगी दैट विल बी फ्रॉम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ठीक है नाउ स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिमेंबर राइट नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन ऑफ प्रोकैरियोट्स ठीक है इट विल कंसिस्ट ऑफ अ कोर इंजाइम दट इज द कोर इंजाइम स्ट्रक्चर एंड सीवरलरी स्ट्रक्चर ठीक है एडिशनल कुछ इसमें स्ट्रक्चर होंगे कोर इंजाइम में हमारे पास फाइव ऑफ द इंजाइम्स पेप्टाइड सब यूनिट्स ठीक है जैसे आप सबको मालूम है कि दीज एंजाइम्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स, सो उसमें आपके पास तीन जो है वो पेप्टाइड जो है यूनिट सब यूनिट्स होंगे जिसमें से दो आपके पास अल्फा और वन बीटा वन बीटा बार एंड वन जो है दैट इज ओमेगा दीज आर रिक्वायर्ड सो दैट

क्योंकि स्टिल रिकॉग्नाइजिंग द प्रोमोटर रीजन इज मिसिंग अगर हम सिर्फ इस पांच को कंसीडर कर लें ठीक है जो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कोर एंजाइम को अगर हम कंसीडर करें तो ठीक uh, है ये हर एक सब यूनिट अपने फंक्शंस बता रहा है लेकिन जब तक आपको स्टार्ट साइड या प्रोमोटर साइड्स नहीं मिलेंगे जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का आपको आइडिया हो जाएगा जैसे अगर एक जहाज लैंड कर रहा है और उसको रनवे पे सर्टन सिग्नल्स मिलते हैं आ, उसके बाद वो एयर एयरपोर्ट को या जहां उसने लैंड करना है वो रिकॉग्नाइज करता है और वहां पे वो लैंडिंग करना शुरू कर देता है तो अगर वो नहीं होगा तो कहीं भी वो लैंड नहीं कर सकेगा सो so, सिमिलरली अगर ये प्रोमोटर रीजन नहीं होगा ये सिग्मा रीजन नहीं होगा तो वो प्रोमोटर रीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा अगर प्रोमोटर रीजन आइडेंटिफाई नहीं होगा तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट नहीं हो सकता सो द होल इनजाइम Which we call the this region this uh, can contain the S subunit, which is called a sigma factor, enables RNA polymerase to recognize the promoter region on the DNA. So the S subunit plus the core enzyme, that is the S subunits, and that is the core enzyme uh, make up the holoenzyme. So that holoenzyme actually consists of a sigma region.

अलाउ करेंगे आर एन को कि वो वहां पे अटैच हो सके डी एन बाउंड फर्स्ट इन अ क्लोज कंप्लेक्स तो एक डी एन जिसको कॉपी होना होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होनी होती है उसको पहले एक कोल क्लोज कम्प्लेक्स में बाउंड होता है एक क्लोज कम्प्लेक्स बनाता है देन आर एन ए डी नेचर ओपन कम्पलेक्स सो फिर क्या होता है पोलीमरेज विदेल्प ऑफ सर्टन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अटैच होके उसको डीनेचर करता है ठीक है आर एन ए पोलीमरेज जब तक डीनेचर नहीं करेगा जैसे हमने एप्लीकेशन में डी एन ए पोलीमरेज के फंक्शन को देखा था कि वो डी नेचर करता है तो जब तक ये डी नहीं होगा मेल्ट नहीं करेगा तो आपके पास क्या होगा डी की कॉपी बने उसमें से आर बनाना मुश्किल हो जाएगा यानी एम बनाना मुश्किल हो जाएगा ठीक है कॉपी तभी हो सकेगा जब डी को हम सिंगल स्टैंड पे लेके आएंगे सो so 12 टू बेस पेयर सेगमेंट डीएनए के वो ओपन हो जाएंगे एक बबल सा बन जाएगा जिस तरह replication में बना था तो ओपन कम्प्लेक्स बन जाएगा क्लोज कम्प्लेक्स आपके पास ओपन कम्प्लेक्स बन जाएगा सो द साइट वेयर द फर्स्ट बेस इज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द ट्रांसक्रिप्शन इज नंबर प्लस वन एंड इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट सो वो साइट जहां से पहला बेस पेयर एड होगा उसको हम प्लस वन काउंट करेंगे सो देर इज नो कंसेप्ट ऑफ जीरो या माइनस वन होगा या प्लस वन होगा सो so यहां पे एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि प्लस वन से अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो वो सीक्वेंस uh, में तो वो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और एज लॉन्ग वी गो सो दैट विल बी इन माइनस और उसके बाद कोई जीरो नहीं होगा उसके बाद फॉरन प्लस जहां पहला हमारे पास uh,

अब इनिशिएशन कैसी होती है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस विच वी कॉल्ड एज प्रोमोटर ये हम पहले पढ़ चुके हैं सो द प्रो प्रोमोटर कंटेन कैरेक्टरिस्टिक कंसेंसिस सीक्वेंस अब पता कैसे चलेगा आरएनए पॉलीमरेज को कि प्रोमोटर सीक्वेंस आ गई है ठीक है वो मैंने जो जहाज की लैंडिंग वाली मिसाल बताई है अब जाहिर है वहां पे कोई आ, सिग्नल्स होते हैं या रेडार के थ्रू उनको मैसेज कन्वे होता है तो यहाँ पे ऐसी क्या खास बात होती है डीएनए के अंदर कि वो उसको मैसेज पहुँच जाए कि यहाँ पे आ, आपने जो है इनिशिएशन स्टार्ट करनी है सो कोर्स यहाँ पे हमारे पास दो ऐसे कंसेंसी uh, सीक्वेंसेस है जिसको आरएनए पॉलीमरेज जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसके बाद वो इनिशिएशन स्टार्ट कर लेता है एक को हम कहते हैं माइनस थर्टी फाइव सीक्वेंस इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि जहां से इनिशिएशन का पहला बेस पेयर अटैच हो रहा होता है आरएनए का तो उससे अगर हम डी के माइनस में काउंट करना चाहें प्लस वन से माइनस वन माइनस टू इट मीन्स के ऑन द लेफ्ट साइड इट विल गोज माइनस अप गोजस अपनसाइव सीक्वेंसेस यहाँ से वो इसको माइनस थर्टी फाइव सीक्वेंसेस से उसको रीड करता है और फिर जब जाके आफ्टर थर्टी फाइव सीक्वेंसेस रीड करने के बाद वहाँ से वो पहला इनिशिएशन स्टार्ट करता है ठीक है सो so ऐसे ही है जैसे जहाज आपका लैंड कर रहा है या वो जब वो फ्लाइट कर रहा है तो स्टार्टिंग वो सीक्वेंस को रीड करता है जहाँ वो पहले लैंड कर रहा होता है और फिर वो थोड़ा सा मूव करता है और फिर जाके वो एक जगह स्टॉप होता है या अगर वो टेक ऑफ करता है तो एक जगह से स्टार्ट लेता है तो थोड़ा सा मूव करता है और उसके बाद वो जाके वो एक सर्टन जगह पे पहुंच के वो टेक ऑफ कर लेता है तो so, ये कुछ इरेलीवेंट्स एग्जाम्पल है बट दैट विल बी हेल्प फुल टू मेमोराइज दैट थिंग एंड सेकेंड वन इज द प्रिब्नो बॉक्स इसको हम अभी देखेंगे कि प्रिब्नो बॉक्स बेसिकली क्या है ये एक स्पेशलाइज सीक्वेंस है जिसको हम आगे देखेंगे माइनस थर्टी फाइव सीक्वेंस क्या है दैट इज अ कंसेंसस सीक्वेंस एक दैट इज मोस्टली विच इज फाइव टू थ्री प्राइम अगर हम देखें तो दैट इज थायमीन थायमीन गावानीन एडेनिन साइटोसिन एडेनिन ठीक है सो दैट विल बी द सीक्वेंस इन डीएनए ठीक है सो दैट सेंटर्ड अबाउट थर्टी फाइव बेसिस टू द लेफ्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन जहां ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्टली स्टार्ट होनी है उससे थर्टी फाइव साइट लेफ्ट साइड पे होगा और दैट्स वाई वी कॉल इट इज माइनस थर्टी फाइव अ बेस इन द प्रोमोटर रीजन इज असाइंड अ नेगेटिव नंबर इफ इट अकर्स प्रायर टू ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से पहले आ जाए तो हम उसको नेगेटिव कंसिड में काउंट करते हैं विच वी कॉल फ्रॉम दू द लेफ्ट ऑफ टूवर्ड दाइम एंड ऑफ रीजन सो अगर हम to prime उसको देखते हैं तो ये सीक्वेंस uh, होगा द फर्स्ट बेस एट द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड इज असाइंड अपोजिशन ऑफ प्लस वन देअ इज नो बेस डिजाइन

इसको फर्दर आपको इस डायग्राम से ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा प्रिब्नो बॉक्स के बाद हम आ, के पास हम दोबारा आते हैं लेकिन ये वो जो हम सीक्वेंस की बात करें टी टी जी ए सी ए सीक्वेंस देखें तो माइनस थर्टी फाइव पे है माइनस थर्टी फाइव हम कहा से काउंट कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट का पहला बेस पे जो होता है तो दैट इज द फर्स्ट स्टार्टिंग साइट रिमेंबर ये डीएनए स्ट्रक्चर में हम देखेंगे ये सीक्वेंस ठीक है तो यहां से पहला आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगी यहां से ठीक है इस कोडिंग रीजन का इस टेम्पलेट uh, स्ट्रैंड का यहां से स्टार्ट होगी इनिशिएशन सो जब प्रोमोटर रीजन जो है इसमें पहला जो सीक्वेंस होगा -35 पे जब ये सीक्वेंस आरएनए पॉलीमरेज रीड करेगा तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसके 35 बेस पेयर के बाद वो पहला इनिशिएशन साइट ऐड करेगा लेकिन ठहरिए यहीं पे ही कहानी ख़त्म नहीं हुई इसके अलावा इसमें एक जिसको हम प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं वो प्रिब्नो बॉक्स दूसरा एक कंसेंसिस सीक्वेंस है जिसमें आपके पास जो एडन थायमिन रिच रीजेंट है हमने रेप्लिकेशन अगर आप रिकॉल करें तो रेप्लिकेशन में भी जो रेप्लीकेशन स्टार्ट हो रही थी रेप्लीकेशन फॉर्क बन रहा था रेप्लीकेशन जो बबल बन रहा था जिसमें डीएनए अनवाइंड हो रहा था तो वो बेसिकली थायमिन एडेनिन रिच रीजन था क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है निस्बतान वीक होता है टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं सो वो ईजिली डी नेचर हो जाता है सो सिमिलरली प्रिनो बॉक्स में जो माइनस uh, टेन रीजन पर आता है फ्रॉम द स्टार्टिंग साइट तो वो हमारे पास क्या है ये वीक रीजन होगा टी ए टी डबल ए टी जब ये साइट आपके पास होलो एंजाइम इसके अंदर पास से मूव करेगा तो एंड कवर्स अ सेकेंड कंसेंसिस सीक्वेंस विच विल बी दिस वन या इसको हम बॉक्स भी कहते हैं सेंटर्ड इट अबाउट माइनस टेन so from initiation site it will be centered at minus 10 so which is the site of initial dna melting to so, yahan se dna ki melting start ho jayegi and melting of a short stretch about 14 base pair converts the closed complex to an open complex known as transcription bubble to so, इसके लिए अनवाइंड होना जरूरी है ताकि यहां से इस टेम्पलेट स्टैंड के अगेंस्ट यहां से जब अनवाइंड होगा एक आरएनए इसकी कॉपी बन जाएगी ठीक है लेकिन ये क्या होगा तो ये यहां से जब पहला प्रो सीक्वेंस का सीक्वेंस रीड करेगा आगे 19 बेस पे आएगा तो वहाँ पे माइनस टेन पे इसको एक और सीक्वेंस मिल जाएगा जिसको हम प्रिब्नो बॉक्स कहेंगे प्रिब्नो बॉक्स पर ये क्या करेगा डीएनए को डीएनए एन यहाँ पर ज़्यादा वीक फॉर्म में होता है तो इसको मेल्ट करना शुरू कर देगा इसको डीनेचर कर देगा यानी स्ट्रेंड सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे तो बबल बनेगा ठीक है जब बबल बनेगा तो इसके सेवन बेस पेयर्स सेवन बेस पेयर्स मींस के टोटल फोर्टीन बेसिस सो फोर्टीन बेसिस जो है इसको क्या करेगा मेल्ट करेगा तो अगर हम दोनों को मिला लें तो 14 बेसिस बनती है दोनों स्ट्रैंड्स की तो हम जब ये मेल्ट होंगे तो आपके पास एक डीएनए जो है वो क्लोज कंप्लेक्स से ओपन कंप्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां आपके पास ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाएगा उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी अच्छा इसी को अगर हम फर्दर एलोबोरेट करें एक और डायग्राम से तो तो आपके पास हम कहते हैं कि आरएनए की जो आरएनए जो बनेगा, दैट विल बी फाइव प्राइम टू प्राइम, ठीक है सो दैट इज द एक्टिव साइड जहां पे आपके पास नए नए टी एन बेस बेस्पियस जो है वो यहां पे एड हो जाते हैं

इसकी कंप्लीमेंट्री जब स्ट्रेन बनेगा तो इसके अगेंस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते जाएंगे लेकिन साथ ही साथ ये आगे निकलता जाएगा ठीक है और बाद में क्या होगा ये जो डीएनए जो है वो दोबारा से रिवाइंड होगा वापस अपने डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में आ जाएगा ठीक है सो ये जो नॉन टेपलेट स्ट्रेन है जिसने जिसकी अगेंस्ट कॉपी नहीं बन रही बल्कि टेम्पलेट स्टैंड की कॉपी बन रही है तो ये वापस अपने टेम्पलेट uh, स्ट्रेन के साथ वापस जो है वो वापस जो है रिवाइंड होगा और दोबारा दिन, बना देगा ठीक है तो ये सारा जो है वो आर एन कर रहा होता है ठीक है इसको denature कर रहा होता है और इसको दोबारा ये रिवाइंड हो रहा होता है अगर हम पी सी को स्टेप्स को देखें तो यार एप्लीकेशन में हमने देखा कि सेमी कंजर्वेटिव जो कॉपी बन रही होती है उसमें आ, कुछ सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीस यहाँ पे ऐड हो, हो जाते हैं जब एक बार अनवाइंड हो जाते हैं सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन ऐड हो जाते हैं तो ताकि दोबारा ये आपस में मिल ना सके और उसके इसके दूसरी कॉपी पूरी की पूरी बन जाए ठीक है या आ, हम अगर पी में देखें तो अगर हम टेम्परेचर हाई रखें तो ये डी आपस में नहीं मिल सकेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी ठीक है लेकिन चूंकि सेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता सेल के अंदर टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम है और हमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है तो हमें आर मिल रहा है और डी को दोबारा रिवाइंड होना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ का हमारा काम यहाँ पे क्या है कि हमें आर मिल जाए सो so अगेन अगर आप इसको फर्दर थोड़ा सा देखें तो होल प्रोसेस कुछ यू होगा कि कंप्लीमेंट्री स्टैंड है उस पर आर एन ये वाला ऐड हो जाएगा और इनिशिएशन साइट्स पे आपके से है वो आर बनना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आगे जलता चलता जाएगा आर एन तो डीएनए को अनवाइंड करता जाएगा क्लोज कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स में लेता आ जा, आता जाएगा जबकि पीछे से वो दोबारा से रिवाइंड होता जाएगा डीएनए सही है और ये तब तक जाता रहेगा जाता, जाता रहेगा जब तक आपके पास कोई टर्मिनेशन साइट्स नहीं मिल जाता जैसे ही टर्मिनेशन साइट या टर्मिनेटिंग सीक्वेंस मिल जाता है तो वहीं ही प्रोसेस हाल्ट हो जाएगा और आपका आर ट्रांसलेशन uh, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अब बारी आ जाती है एलोंगेशन की वंस द प्रोमोटर रीजन हैज बीन रिकोगनाइज एंड बाउंड बाय द होलो इंजाइम लोकल अनवाइंडिंग ऑफ द डी एन एलिक्स कंटिन्यूस मेडिएटेड बाय द पोलीमरीजिस तो जैसे 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 आपको प्रोमोटर रीजन मिल गए जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास प्रिब्नो बॉक्स है और आ, आ, जो हमारे पास एक आ, सीक्वेंस माइनस फिफ्टी पे था और दूसरा हमारे पास क्या था uh, हमारे पास प्रिब्नो बॉक्स था माइनस थर्टी फाइव था और हमारे पास uh, इसके अलावा दैट वीज माइनस थर्टी फाइव सीक्वेंस और प्रिब्नो बॉक्स तो ज, जब ये मिल गए तो उसके बाद क्या हो गया होलो uh, एंजाइम उसके साथ बाउंड हो जाएगा उन रीजन के साथ

फेज तो में चला जाएगा जब एक प्यूरिन हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग साइड होगा एडोनिन गिन जो है और ये एक्सीड करेगा टेन न्यूक्लियोटाइड एंड लेंथ जब टेन न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा और उसको डिस्कार्ड नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि को प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है फिर क्या होगा सिग्मा इज दिन रिलीज सिग्मा का क्या क्या था अगर आप रिमेम रिमाइंड कर मैं करूं आपको तो हमने जो सब यूनिट्स पढ़े थे तो उसमें लास्ट में हमने सिग्मा का सब यूनिट पढ़ा था कि सिग्मा इज फॉर द रिक्नेशन ऑफ द प्रोमोटर रीजन ठीक है सो so, सिग्मा ने जब एक बार रिकोगनाइज कर दिया प्रोमोटर रीजन को एंड देन द कोर इनम इज एबल टू लीव क्लियर द प्रोमोटर एंड मूव अलोंग द टेम्पलेट ठीक है तो फिर क्या होगा तो सिग्मा रिलीज हो जाएगा उसका काम खत्म हो गया फिर उसके बाद बाकी जो कोर इंजाइम है जिसमें आपके पास डिफरेंट सब यूनिट्स है वो प्रोमोटर रीजन को छोड़ के बाकी टेम्पलेट ट्रेन को क्या कर लेंगे कॉपी करना शुरू कर देंगे तो यानी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा ड्यूरिंग अ ट्रांसक्रिप्शन अ शॉर्ट हाइब्रिड हेलिक्स इज ये हमारे पास डी एन एर एन ए हाइब्रिड बन रहा है फॉर द टाइम बीग ठीक है एज विद्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन इज ऑलवेज विद फाइव टू थ्री प्राइम डायरेक्शन ये हम बार बार डिस्कस करते रहे हैं ठीक है इन कंट्रास्ट टू डी एन ए पोलीमरेज आर एन ए पोलीमरेज does not require a primer and does not appear to have 3 prime 5 prime exonuclease or proof reading activity so that is another difference हमने कहा था कि primer नहीं चाहिए आरएनए पॉलीमरेज को जबकि डीएनए पॉलीमरेज को primer चाहिए और दूसरा यह बात आ गई कि इसमें थ्री टू फाइव प्राइम एक्टिविटी नहीं है यानी प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी नहीं है मिस्टेक एक बार हो गई तो हो गई ठीक है सो so जबकि यहाँ पे आपके पास डीएनए में ये एक्टिविटी मौजूद थी तो अगेन नॉन टेपलेट स्टेन है और आपके पास टेम्पलेट uh, चेन है टेम्पलेट्स चेन को कॉपी करेगा और फॉर द टाइम बींग जो है आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन के आएगा सुपर कॉइलिंग जहां ये unwinding कर रहा है, तो वहां पे positive बन रही है, और जहां से ये इसको रीवाइंड कर रहा है तो यहां पे आपके पास नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बन रही है सो तो ये इसको आ, वो कर रही है एट द एंड ऑफ द डे जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो दैट विल न्यूट्रलाइज ईच अदर इन रिप्लीकेशन वी डू है जो इसमें कट लगाते हैं, विच है और फिर जो हैं उसको सील कर देते हैं नाउ टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है टर्मिनेशन भी प्रो, प्रोमोटर रीजन की तरह एक सीक्वेंस आएगा या सर्टेन प्रोटीन्स हैं जो उस जगह को रिकॉग्नाइज करेंगे और टर्मिनेशन जो है ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा सो द एलिंगेशन ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए चेन कंटिन्यूज़ अंटिल अ टर्मिनल सिग्नल इज रीच्ड ठीक है दो द टर्मिनल टर्मिनेशन कैन बी इंट्रिंसिक मींस इट कुड बी अ स्पोंटेनियस और डिपेंडेंट अपॉन द पार्टिसिपेशन ऑफ अ प्रोटीन नोन एज रो फैक्टर ठीक है आर एच ओ रो इसको दो तरीके से हो सकती है कि एक ये इंट्रेंसिक फैक्टर है, है जिसमें इसको हम कह सकते हैं कि रो एंड डिपेंडेंट टर्मिनेशन यानी इसमें इस प्रोटीन रो प्रोटीन्स का कोई अमल दखल नहीं है बल्कि किसी और रीजन से किसी स्पॉन्टेनियस फैक्टर्स की वजह से इंट्रेंसिक फैक्टर की वजह से टर्मिनेशन हो रही है और एक है रो फैक्टर की वजह से टर्मिनेशन हो रही है सो वी विट एज रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन तो आ, इसको अगर हम और देखें तो आपके पास जो डी एन ए ट्पलेट है इससे आपके पास नेसेंट आर एन ने ए बन गया तो जो स्पॉन्टीनियस है जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन हमें कहते हैं हम जिसे कहते हैं जिसमें रो प्रोटीन की जरूरत फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती वो बेसिकली किस वजह से होती है जब न्यूली सिंथिस या नेसेंट आर एन ने ए आपके पास बन रहा है तो जहाँ पे जी सी जी रिच रीजन आ जाता है और उसके बाद यूरोसेल रीजन कंटिन्यूसली आ जाए तो वहाँ पे एक हेयर पिन लूप बन जाता है ठीक है एक हेयर पिन बन जाता है और वो हेयर पिन जो है आगे प्रोसेस को टर्मिनेट कर लेता है स्टेप ठीक है आ, जिसकी वजह से फर्दर जो है प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन का रुक जाता है सो हम उसको कहते हैं कि दैट इज द टर्मिनेशन रीजन सो न्यूली सिंथिसाइज आर एन ए टू फोल्ड्स टू फार्म हेयर पिन दैट इज

self-complementary sequence in nascent rna folds back on itself, form a gc-rich stem stabilized by those hydrogen bonds which are present between gc region. so uh, that will form a loop. this structure is known as a hairpin. it's just like uh, a hairpin agarabic structure ko aur so the second key feature is a string of uracils. cells. so uh, at 3' prime end, so जहां पे ज्यादा यूरसिल होंगे या एडन होंगे तो ऑफकोर्स वहां पे आपकी वीक बॉन्डिंग होगी सो द डीएनए टेम्पलेट विल बी वीक एट दैट पोजिशन और उसके फौरन बाद जब जी सी रिच रीजन आएगा तो ऑफकोर्स एक आपके पास हेयरपिन लूप बना देगा आर एन सेपरेटेड फ्रॉम डी एन ए तो जब ये यूनिवर्स यूरोसिन रीजन रिच रीजन आ जाएगा कंटिन्यूसली uh, तो ऑफकोर्स वहाँ पे डीएनए रीजन रिच हो आ, 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 वीक होगा डीएनए रीजन वहाँ पे वीक हो जाएगा जहाँ पे आ, मुसलसल आपके पास यूरसेल आ जाएंगे ठीक है यानी यहाँ पे ये अगर आप देखें तो मुसलसल एज आ रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रेन में तो इसके अगेंस्ट ज़्यादातर यूरसेल आ जाएंगे ठीक है तो ये जो रीजन आएगा ये सारा वीक हो जाएगा इसके दरमियान जो आर एन ए डी एन ए का uh, जो uh, एक कम्प्लीमेंट्री uh, आपके पास ड्यूप्लेक्स बना हुआ है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो आठ से दस पेयर पेयर का होता है वो इतना वीक हो जाएगा कि वहाँ पे आर एन ए जो है वो फॉर आर एन ए पोली जो है आर एन ए जो है वो ईजिली uh, सेपरेट हो जाएगा डी एन ए से ठीक है तो इस तरह से आपके पास ये टर्मिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद दूसरा जो है दैट इज रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन रो फैक्टर जो है दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज एटीपीज़ एज विद हेलीकेज एक्टिविटी हेलीकेज अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे तो हमने पढ़ा था एप्लीकेशन में जो डी एन ए की अनवाइंडिंग कर रहा होता है सो हेयर इट इज ऑल्सो ए टी पी एज डिपेंडेंट ए टी पी एज ए टी पी रिक्वायर होता है सो रो बास आर सी रिच

अब हमने देखेंगे कि रो डिपेंडेंट क्या प्रोसेस होता है तो ये क्या होता है कि जो दैट इज द रो डिपेंडेंट प्रोसेस दैट इज द रो इंडिपेंडेंट प्रोसेस रो इंडिपेंडेंट में हमने कहा था कि जहाँ पे यूनिवर्स यू, यू, बहुत ज्यादा आपके पास यूरोसिन रेजिड्यूज आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके दरमियान जो है आरएनए डीएनए के दरमियान जो है बॉन्डिंग वीक हो जाएगी और वो रिमूव हो जाएगा आरएनए जबकि रोड डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होगा कि फाइव प्राइम पोजीशन पे जो सी रिच रीजन होगा सी रिच रीजन होगा वहां पे ये रो फैक्टर या रो प्रोटीन मौजूद होगा जो अपने एटीपीज एक्टिविटी की वजह से आगे मूव करेगा जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज तक ये जो है आपके पास ये जो रेड पर्पल कलर का होता है पिंक कलर का दैट इज आरएनए पॉलीमरेस ठीक है जैसे ही यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ये टर्मिनेशन कर देगा और यूं आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ठीक है सो दूल ऑल अबाउट दैट वाज ऑल अबाउट द आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इन डिटेल अगर कोई कंफ्यूजन आप लोगों किसी टॉपिक में हो तो यू कैन फील फ्री सो दैट इज़ द रेफरेंसेस यू कैन फॉलो दिस बुक्स और यहाँ से आप डिटेल में इसको फर्दर देख सकते हैं इन नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज